नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, मेटल स्टॉक्स में एक शानदार मूव आता हुआ दिख रहा है। जस्ट अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, लगभग 11:30 का समय हो रहा है। निफ्टी 250 पॉइंट्स ऊपर, 17,550 का टारगेट डन, 17,570 पे ट्रेड कर रहा है इस समय। बैंक निफ्टी 850 पॉइंट्स की तूफानी तेजी, आप जिसे वीकली कैंडल क्लोजिंग कहते हैं, वो आज आपको हायर लेवल्स पे आते हुए दिख सकती है। शानदार मूव बन रहा है और ये मूव केवल दो ही ग्रुप बना रहे हैं, एक बैंकिंग स्टॉक्स, सेकंड अदानी ग्रुप स्टॉक्स और थर्ड अदानी ग्रुप से रिलेटेड स्टॉक्स। अभी मैं आप सभी के साथ बात करूंगा मेटल्स के बारे में। मेटल्स सुबह से तो शांत थे, लेकिन अभी अचानक शार्प स्पाइक आते हुए देख रहे हैं आप, चाहे वो वेदांता हो चाहे वो हिंडाल्को हो। एंड अगर आप नोटिस करेंगे तो टाटा स्टील में आज बहुत सारे ब्लॉक ट्रेड हुए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले वेदांता 4% ऊपर, हिंडाल्को 1.5% ऊपर। वेदांता ये वही स्टॉक है जो 260 पे दो दिन पहले क्रैश हुआ था 9% तक। आप लोग परेशान थे, वीडियो बनाई थी, कमेंट्स का भी रिप्लाई दिया था, अदरवाइज मैं कमेंट्स पे रिप्लाई देता नहीं हूं, मैं वीडियो में बात करता हूं उसी उनके सवाल पे जो भी होता है। लेकिन वहां पैनिक था और पैनिक एक ऐसी चीज को लेकर था जो कि है ही नहीं। पहले मैं आपको बता दूं, वेदांता में जिस समय ये शार्प स्पाइक आया है उस समय एक न्यूज भी आई है, लोन को लेकर एडवांस लेवल पे बातचीत हो रही है इनकी जेपी मॉर्गन स्टैन चार्ट वगैरह के साथ। एंड उसके बाद मार्केट ने इसे काफी पॉजिटिवली लिया है, ब्लूमबर्ग के हवाले से ये खबर है। बाकी इसका कितना रिएक्शन है, कितना रिएक्शन है, नहीं है, क्या है, पूरी डिटेल्स वो भी आना रह गई है। बट जैसे ही ब्लूमबर्ग पे ये खबर आई है, स्टॉक में बड़ा मूव देखने को मिला है। उसी के साथ साथ हिंडाल्को में भी आपको सेम समय पे मूव आता हुआ दिखा है, विद एनएमडीसी भी हल्का स्पाइक देता हुआ दिखा है। वेदांता की बात करें, 285.65 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, 10 रुपए ऊपर है, 4% की तेजी है। क्या करें, देखिए उस समय भी कहा था निवेश का मौका, निवेशक हो तो कोई टेंशन मत लीजिए, लेकिन ट्रेडर्स हो तो आपका स्टॉप लॉस हो चुका है ना, आपको काट देनी चाहिए थी पोजीशन, कटवाई नहीं थी, काट देनी चाहिए थी बोला था। क्योंकि नहीं काटी है तो टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि उस समय तो स्टॉप लॉस के पास था, सपोर्ट के पास था। नेक्स्ट, अभी भी यही कहूंगा, कैश स्टॉक में तेजी आ रही है, ये स्टॉक कहीं ना कहीं आपके लिए दोबारा से ऊपर में 290-293 रुपीज तक के लेवल्स टेस्ट कर सकता है, जिस हिसाब से स्टॉक नीचे से ऊपर जा रहा है। एक बार 288 रुपीज के डेफिनेट जो आज का हाई बन गया, अभी 287.45, वो स्टॉक आज इंट्राडे में अगर ब्रेक करेगा तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 290-293 तक भी जा सकता है स्टॉक। फ्रेश बाइंग की रिकमेंडेशन कोई भी नहीं है, केवल अपडेटेड वीडियो है ये। इस वीडियो के दौरान आप ये ना सोचे मैं खरीदने को बोल रहा हूँ या फिर बेचने को बोल रहा हूँ, ये केवल अपडेटेड वीडियो है। जब मैं बाय सेल के लिए बोलता हूं तो मैं प्रॉपरली बोलता हूं, मेरा व्यू बन रहा है, मेरी पोजीशन हो सकती है क्लियरली, बट यहां मेरा अभी कोई व्यू नहीं है, केवल और केवल अपडेटेड वीडियो अगर आपके पास है तो ठीक है। तो वेदांता अभी भी मैं वही कहूंगा, कोई इशू नहीं है, डेट को लेकर कोई सवाल कंसर्न नहीं उठने चाहिए कंपनी के ऊपर। एंड इस शेयर की बात करें तो आपको एक अच्छा कहीं ना कहीं मूव दिखा है नीचे के लेवल से, स्टॉक ऊपर में आपके लिए 295 तक के लेवल्स भी टेस्ट कर सकता है। हिंडाल्को 400 के लेवल्स पे कहा था निवेश करना है, ये वही स्टॉक है जहां आपसे कहा था पैसा डालना है, कैश मार्केट में खरीदना है, एफएनओ में नहीं, कैश में। क्योंकि जब नंबर्स आए थे तो नोवलीज ने जो कमेंट्री करी थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, उन्होंने क्लियरली बोला है क्वार्टर फोर में हमारी टर्न अराउंड हो सकता है, हमारा मतलब आगे चलकर एल्यूमिनियम की डिमांड बहुत हाई होगी और सप्लाई उतनी नहीं होगी, जिससे मार्जिन्स बढ़ेंगे, पैसा बढ़ेगा। स्टॉक 400 पे जिसने खरीदा है, 420 का पहला टारगेट था, आज 418.50 का हाई लगा है, तो पहला टारगेट ऑलमोस्ट डन है। 430-35 के सेकंड टारगेट के लिए अभी भी होल्ड करना है, बट पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए आपको जिसने लिया है थोड़ा बहुत। स्टॉक की बात करें लॉन्ग टर्म में, मुझे हिंडाल्को कोई इशू नहीं लगता हिंडाल्को में, और गिरावट में लेने के मौके ही ढूंढने चाहिए। नेशनल एल्यूमिनियम में भी अच्छा मूव आया था कल के सेशन में, आज तो हालांकि शायद वो लाल निशान में है। एनएमडीसी की बात करें तो फ्लैट है, कोई दिक्कत नहीं है। कल प्रोडक्शन का डाटा आया था वो तो अच्छा ही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही। आयरन ओर का डाटा भी अच्छा आया है, फैब प्रोडक्शन जो है, तो कोई इशू नहीं वहां पे। बात करें अगर टाटा स्टील की, तो पहले मैं आपको मैं बताना चाहूंगा मल्टीपल ब्लॉक डील्स हुई है, लगभग स्टार्टिंग सुबह हुई है 10:02 से, जहां पे पहला सौदा हुआ लगभग 78.42 करोड़ रुपीज का 105 रुपए के भाव पर, दूसरा सौदा हुआ 10:28 पे 13 करोड़ रुपीज का 105.55 के भाव पर, थर्ड 11:03 पे 38 करोड़ रुपीज का
एक और हुआ फिर आपके लिए 10:25 पहले ही बता रहे हैं यहाँ पे, लगभग 21.70 करोड़ रुपीज का। उसके बाद बस यही कुछ कहीं ना कहीं ब्लॉक ट्रेड्स हैं आज के सेशन में टाटा स्टील में। एक बार स्टॉक का भाव भी देख लेते हैं कैसा ट्रेड कर रहा है, चार्ट्स पे कैसा दिख रहा है, क्योंकि काफी सारे ब्लॉक डील हुए हैं इस स्टॉक में आज के सेशन में, तो मैं आपके साथ शेयर करूं। 100 पॉइंट सेम जहां पे ब्लॉक डील हुई है वहीं पर ट्रेड कर रहा है, चार्ट्स पैटर्न में अभी भी कुछ इंटरेस्टिंग नहीं फॉर्म हो रहा है स्टॉक में। अगर किसी के पास पोजीशन है जो अभी रिसेंटली लो लगे अराउंड 104 के लगे हैं, वही स्टॉप लॉस रख के आप बने रहे पोजीशन में, ऊपर में अगर स्टॉक आता है तो 108 रुपीस तक आपको लेवल्स दिखा सकता है। एक दो चीज और बोलना चाहूंगा, कुछ फ्रेश व्यू बन रहा है मेरा, पहला टाइटन को लेकर और दूसरा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है बजाज फिनसर्व, तो इन स्टॉक्स को डेफिनेटली आप रडार पे रखें, हो सकता है इनमें आपको 1.5% का मूव आते हुए दिखे आज के सेशन में। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।